हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार सिंह। मैं इमरान अली। मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप हमारे वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो। वीडियो का टाइटल है श्रीनगर G20 डेलीगेट्स गिवन वार्म रिसेप्शन इन डोगरी। वो देखते हैं पहले वीडियो पे करते हैं रिएक्शन। कड़ी सुरक्षा के बीच घाटी में G20 के प्रतिनिधि श्रीनगर पहुंच गए हैं। डल झील किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक में विभिन्न देशों के 60 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं। G20 के प्रतिनिधियों को श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरने के साथ ही उन्हें स्वागत स्मृति चिन्ह दिया गया और उसके बाद स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा लाइव संगीत और पारंपरिक नृत्य की झलक दिखाई गई। समारोह के पहले दिन डोगरा संस्कृति और कश्मीर की संस्कृति को बखूबी दर्शाया गया। सम्मेलन के पहले दिन प्रतिनिधि SKICC में और उसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनका स्वागत होगा। क्राफ्ट बाजार में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी में प्रतिनिधियों को देखने का मौका मिलेगा। अगले दिन आर्थिक विकास व सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन विषय पर सत्र होगा, जिससे फिल्म पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही इको टूरिज्म पर भी एक अलग से सत्र होगा। तो जी, वीडियो तो ख़त्म हुई। ये था डेलीगेशन का वेलकम श्रीनगर में, यानी कश्मीर में जो G20 समिट चल रहा है, जिन 22 लेकर 24 तक है। तो कल आज मतलब आखिर दिन होगा 24 को। तो ये वेलकम किया गया फुल डे सिमॉल में। मुझे ये देखकर यार खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई कि जो कौम में अपनी सकाफत न भूलती वो कौमी जिंदा रहती है। जो अपनी सकाफत अपना कल्चर भूल जाती है ना, वो कौमें मुर्दा होने के बराबर ही है, वो मर चुकी होती हैं। मुझे खुशी इस बात की कि इंडिया के लोगों के पास किस चीज़ की कमी है। इधर अगर वो वेलकम करना चाहते हैं तो वो कोई मतलब कि जिस तरह के उनके डेलीगेशन आ रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से G20 हर किस्म, तो वो मतलब ना कोई मतलब अपने आप को पढ़ा चढ़ा कर कोई समझ लें इंग्लिश टाइप का उनको वेलकम करते हैं तो नहीं। उन्होंने वो जो औरतें थीं उस एरिए का उन्होंने लिबास पहना हुआ था, मतलब कश्मीर के वो जो डांस कर रही थी औरतें, उन्होंने लिबास भी उसी तरह का पहना हुआ जिस तरह कश्मीर में पहना जाता है। और उसके बाद जो ये ढोल और साथ में वो और तो, सबसे बड़ी बात देखें कि जो गोरे थे ना, एक दो मैंने जो है ना वो उनके साथ तो बिल्कुल सेम, उन्होंने भी उसी रंग में वो अपने आप को डाल लिया था जिस रंग में वो दूसरी लड़कियां उनका वेलकम कर रही थी। तो ये सकाफत उनकी ये शो करती है कि वो अपने अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं, अपने मुल्क से कितना प्यार करते हैं। वो अपनी सकाफत को भूले भी नहीं। हाँ बिल्कुल भाई, यही होता है ना, किसी भी मुल्क का जो अपने कल्चर को भूलता नहीं, अपने कल्चर को साथ लेके चलता है, तो इंडिया भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। और बड़ा अच्छा उन्होंने वेलकम किया था। और गोरे भी देख लें, स्पेशली वो आम देसी स्टाइल में वो आ रहे थे और गोरियां भी ऐसे ही आ रही थी। तो और ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे मुल्कों पे, और स्पेशली इन G20 के जो ममालिक हैं ना उनके लोगों। अच्छा, इधर एक और बड़ी बात, खैर कुछ मालिक मुझे सुनने में जो कन्फर्म नहीं हुआ, 3 या 4 मुल्क नहीं गए, मतलब मैक्सिमम पाकिस्तान के लोगों का प्रोपेगंडा फेल हो चुका कि वो चाहते थे मुस्लिम मालिक होंगे।
हाँ एक आई थिंक चाइना है, एक आई थिंक सऊदीया है, तुर्की है, ये तीन का तो मुझे पता है कि नहीं गया, बाकी का मुझे कंफर्म नहीं है कि गया कि नहीं गया। और बात में का मकसद ये है कि इंडिया इधर फिर भी जीत गया, मतलब 17 अगर पार्टिसिपेंट भी जाते हैं दुनिया के मुख्य कंट्रीज, इसका मतलब यूरोप पूरा, यूएसए बाकी कंट्रीज। असल में पता बात क्या यही है, बात एक धड़न तक का बना हुआ है, एक साइड पे चार पांच मुल्क और दूसरी साइड पे चार। नहीं असलम भाई बात ये गलत बात है कि एक एक की लड़ाई और बाकी दो तीन उसका साथ देकर ना जाए, अपना मफाद देखना चाहिए, अपने मुल्क का मफाद देखना चाहिए। ठीक है जो किसी की किसी मुल्क के साथ नहीं बनती तो लाजमी ये बात नहीं है कि उसके पीछे ला के अपने मुल्क का भी कोई खतरे में डाला जाए, इसकी वजह से वो नहीं है। पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की, थ्रेटन किया, धमकियां दी, कोई हो सकता तकरीबकारी भी की हो जो धमाके हुए। आप देख लें कि जो मलेशिया में हुई थी मेरे ख्याल में कुछ ममालिक की वहां पे हुई थी कॉन्फ्रेंस, तो जिसमें पाकिस्तान ही गया था उसको सऊदीया ने कहा कि आपने नहीं भाई जाना, लेकिन जबकि दुनिया मैक्सिमम अब समझ लें कि अब इधर ही कंपैरिजन कर लें 20 में से अगर 70 कंट्रीज जा चुकी हैं 70 या 80, तो इसका मतलब है कि आज भी 80 से 90% कंट्री जो है वो ये सोचती है कि ये एक मतनाज कंट्री नहीं है। गोरे जो आ गए हाँ जी आज उनका कल्चर देखकर कितना खुश हुआ, और जिसकी लाठी जिसके पास वो कहते हैं जिसके घर दाने हैं उसके कमले भी शान हैं, इंडिया घर आज दाने दुनिया उनको सलूट भी कर रही है, आ भी रही है क्योंकि दुनिया को उनसे मफाद है, उस दुनिया को इंडिया ने दिया, देंगे लेंगे ट्रेड होगी। पाकिस्तान ने आज तक दुनिया को क्या दिया? इंडिया जो है ना एशिया के ममालिक में सबसे बड़ी मार्केट है, हर लिहाज से ट्रेड से बिजनेस से हर लिहाज से बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ी मार्केट है, जिसकी वजह से ज्यादा जो ममालिक है ना वो इससे कनेक्ट है। पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडा फेल हुआ, इंडिया के श्रीनगर में G20 समिट कामयाब हुआ, और हमारे जो सफ़े मातम हो गई शायद जितने में वो रोक सकते थे इतना उनका बस चलता था, पाकिस्तानियों का उन्होंने चलाया, रोका, थ्रेट भी किया लेकिन उखाड़ा कुछ नहीं, इंडिया ने करके दिखाया। स्मार्ट सिटी कंप्लीट होगी उस पर भी हम वीडियो कर चुके हैं, स्मार्ट सिटी भी मुकम्मल कर दिया है, समिट भी कर दिया, मतलब इंडिया के लोग इंडिया की जो पॉलिटिशियंस हैं जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं, यही उनकी चीज़ अच्छी है। लेकिन हमारा क्या, हम एक तरफ कहते कुछ है करते कुछ हैं, हमें कोई पता नहीं हमारे पॉलिटिशियन का सुबह क्या बयान दिया है, रात को उस बयान पर कायम रहेंगे? हमारे पॉलिटिशियन तो रटे रटाए बयान देते हैं, जो रात को सोते हुए उनको याद करते थे ना वो बोल देते हैं, बोल देते और ना ही कभी उन्होंने अमल किया, अमल किया। यही बात है, इस वजह से इंडिया आज तरक्की भी कर रहा है और इंडिया अपने मकासद भी पूरे कर रहा है। आज G20 समिट हो गया, कुछ नहीं उखाड़ सका पाकिस्तान, ना उखाड़ सकेगा, किसी की टांगे खींचने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, अपनी ये तो अपने टांगों पे अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।